हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन इक्विटी। कैसे दोस्तों आप सब लोग। तो गैस आज हम बात करेंगे मंडे के दिनों के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कैसा मोमेंटम रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गैस, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। लास्ट टाइम मैंने हमारी वीडियो में एक चीज़ क्लियरली कहा था क्रूड ऑयल के लिए और नेचुरल गैस के लिए। क्रूड ऑयल के लिए मैंने ये कहा था गाइस, अगर क्रूड ऑयल 7000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो गाइस कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है 7200 इजीली आ जाएगा गाइस। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 7000 के नीचे जाता है तो गाइस कहीं ना कहीं 6900 के करीब हमारा टारगेट आ सकता है। तो गाइस आप जाके चेक कर सकते हो फ्राइडे के दिनों यानी आज के दिनों में कैसा मोमेंटम रहा, वही जो मैंने बताया गाइस वैसे ही हुआ है गाइस, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ डेली बेसिस पर 100% वैसे ही हो रहा है। तो अब बात करेंगे मंडे के दिनों में क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, किस रेंज के बाद क्या हमें बाई करना है, वो सारे चीज़ें हम बात करेंगे। देखो गाइस, अगर क्रूड ऑयल मंडे के दिनों में 7200 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है, अभी जो ट्रेडिंग चल रहा है क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं 7100-7200 के बीच में ट्रेड चल रहा है, तो अगर मंडे के दिनों में यानी आज के दिनों में फ्राइडे के दिनों में क्लोजिंग देता है 7200 के करीब एंड 7200 के ऊपर क्लोजिंग देता है मंडे के मतलब 7200 के ऊपर ओपन होता है मंडे के दिनों में, तो गाइस कहीं ना कहीं जो हमारा जो टारगेट रहेगा 7500 के करीब जा सकता है। बट गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब तक 7000 टूटता नहीं है प्रॉपरली सस्टेन होता नहीं है तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। 7200 के ऊपर हमें कॉल ऑप्शन को बाई करना, लॉन्ग पोजीशन बनाना है। 7000 नीचे आप सब लोग ब्लाइंडली आप पुट ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। मैंने बताया था कि 7000 के नीचे अगर प्योरली सस्टेन करता है तो 6800-6400 के करीब का हमारा टारगेट बन सकता है। 7200 के ऊपर 7500 टारगेट, 7800 का टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, उसके अनुसार आप ट्रेड करना। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो गाइस चलो अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के बारे में गाइस मैंने बताया था कि अगर नेचुरल गैस 640 क्रॉस करता है तो गैस कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है 660 के करीब आ सकता है। मैंने ये बताया था गैस, वही हुआ आज के दिनों। मैंने हमारे पेड ग्रुप में मैंने फ्यूचर को बाय दिया था, नेचुरल गैस के फ्यूचर को मैंने बाय दिया था 640 के ऊपर। 640 के ऊपर गैस मैंने कहीं ना कहीं 15 पॉइंट का मोमेंटम लिया गया। 655 करीब मैंने प्रॉफिट बुक करवाया, उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है गैस नेचुरल गैस के लिए। अगर नेचुरल गैस फ्राइडे के दिन यानी आज के दिनों में क्लोजिंग 640 के नीचे देता है तो गैस मंडे के दिनों में हमें शॉर्ट सेलिंग करना है, टारगेट रखना होगा 620-600 करीब। अगर नेचुरल गैस 660 के ऊपर क्रॉस करता है एंड 670 भी टच कर देता है तो गैस क्लियर कट कंफर्मेशन मिलेगा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का, कॉल ऑप्शन बाय करने का। एक चीज़ याद रखना, 670 के ऊपर क्लियर कट लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 640 के नीचे पुट ऑप्शन शॉर्ट पोजीशन बाय मतलब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये मेरा व्यू है गाइस नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के ऊपर। अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, टेक केयर।